अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो CSS PMS या पाकिस्तान में होने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके एस्पायरेंट्स के लिए है। इस छोटी सी बात में हम दो क्यूरीज पे डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन मुझे आता है वो ये आता है कि जी मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, पुअर हैंड राइटिंग है, बुरी हैंड राइटिंग है, मैं उसका क्या करूँ और ये क्या मैटर भी करती है या नहीं करती। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है राइटिंग स्पीड का, कि आपके लिए कितनी राइटिंग स्पीड ज़रूरी होनी चाहिए। पहली वाली बात पे आते हैं। पहली बात कीजिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग बुरी है तो उसका सलूशन क्या है। लेकिन सलूशन से पहले हमें जानना चाहिए कि ये इम्पैक्ट भी कुछ करती है या नहीं करती। देखें, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं और इस पर तवज्जा देने की भी ज़रूरत नहीं है। तवज्जा से मेरी मुराद ये है कि कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि वो सारी तवज्जा अपनी हैंड राइटिंग पर कर देते हैं और हैंड राइटिंग जो हम बचपन में सीखते हैं उसको दोबारा से ठीक करना इंतहाई मुश्किल काम है, नामुमकिन तो नहीं। लेकिन जब आप CSS की तैयारी कर रहे हो, आपने 12 पेपर्स की तैयारी करनी है, 1200 स्कोर की तैयारी करनी है, तो उसमें अगर आप अपनी हैंड राइटिंग ठीक करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपकी असल तैयारी पीछे रह जाएगी। जैसा कि अंग्रेजी के एक लफ्ज़ है डाइग्रेशंस। डाइग्रेशंस का मतलब ये होता है कि आप मेन टॉपिक से हट के किसी और काम में लग जाएँ। तो बहुत से कैंडिडेट जो CSS के हैं या दूसरे कंपिटेटिव एग्जाम्स के हैं वो ऐसा कोई ना कोई इशू ढूंढ लेते हैं जहाँ से उनका जो मेन टॉपिक है या मेन जो जिन चीज़ की उन्हें तैयारी करनी चाहिए उससे हट के वो इन छोटी छोटी चीज़ों में लग जाते हैं। हैंड राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए बस ये याद रखें कि तमाम वर्ड्स के दरमियान जो फासला वो बड़ा इक्वल हो, बराबर हो, और उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि 4 लेटर्स का डिफरेंस हो एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के अंदर। अगर आपने एक लफ्ज़ लिखा है तो दूसरे लफ्ज़ जहाँ से शुरू हो रहा है और एक लफ्ज़ जहाँ से ख़त्म हो रहा है उसके दरमियान 4 लेटर का डिफरेंस आना चाहिए। मुझे सर्विस करते हुए तकरीबन 18 बरस होने लगे हैं। इन 18 बरसों के अंदर मैं खुद भी सर्विस की और बहुत से लोगों को पढ़ाया भी, मेरे बैचमेट्स, मेरे जूनियर्स और इवन मैंने सीनियर्स को भी देखा कि बहुत से लोग होते हैं उनकी हैंड राइटिंग इंतहाई बुरी होती है कि एक आम बंदा वो पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन वो ना सिर्फ CSS में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बल्कि पोजीशंस भी हासिल करते हैं, अच्छे ग्रुप्स में एलोकेशन होती है। उसकी वजह ये है कि जो एग्जामिनर है वो भी आदी हो चुका होता है। जैसा कि अगर आपको ये डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग बुरी होती है लेकिन आप फार्मेसी के पास फार्मास्यूटिकल के पास जाएँ, फार्मासिस्ट के पास जाएं मेडिसिन लेने के लिए, तो वो राइटिंग को समझ लेता है। इसी तरह जो एग्जामिनर होता है वो भी राइटिंग को समझ लेता है। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी जब स्टूडेंट्स के पेपर आते हैं तो मैं भी अच्छी तरह से समझ जाता हूँ कि ये भाई साहब ने क्या लिखा हुआ है। आपको हैंड राइटिंग को बेहतर मुनासिब बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मेन अपनी जो पढ़ाई उसे छोड़ दें। आपने 1200 स्कोर के पेपर आगे जाके देने तो आप इन छोटे छोटे इश्यूज में लग जाएंगे, तो आपकी कहाँ से तैयारी होगी। हाँ, इसको साफ़ और मुनासिब आपने ज़रूर लिखने की कोशिश करनी है। तो मेरे ख्याल आपकी ये कन्फ्यूजन तो क्लियर हो चुकी होगी। अब हम सेकेंड चीज़ पर आते हैं, राइटिंग स्पीड। जो राइटिंग स्पीड है वो ज़्यादा मैटर करती है। हैंड राइटिंग वाला टॉपिक इंतहाई जो है वो इसके मुकाबले में छोटा है। राइटिंग स्पीड का मतलब ये है कि आपने 20 से 25 मिनट में 4 सफ़े लिखने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस ज़रूर आनी चाहिए और वो प्रैक्टिस कैसे होगी? वो प्रैक्टिस तभी होगी जब आप रिपीटेडली उसे बार बार रिपीटेडली बार बार उसे करते रहेंगे। जब उसे आप बार बार करते रहेंगे तो आपकी ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप 20 से 25 मिनट के अंदर 4 सफ़े लिखें। बहुत से जो फैकल्टीज से लोग आते हैं, मसलन MBA वाले लोग हैं या इंजीनियर हैं या कोई MSc इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं या MSc जर्नलिज्म वाले लोग हैं, जिस वक्त वो उन्हें क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस कम हो चुकी होती है, इंटर के बाद वो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जहाँ पे कंसेप्चुअल स्टडी होती है और वो स्टडी के अंदर जिस वक्त वो जो कुछ लिखते हैं वो बहुत थोड़ा सा होता है, तो उन्हें ज़्यादा लिखने की सलाहियत रहती है। लेकिन जब CSS का एग्ज़ाम होता है, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया या आपके बाकी सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, उसमें आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और चारों क्वेश्चन के जवाब कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब 3 से 4 पेपर पेजेस का तो ज़रूर होना चाहिए। और 3 से 4 पेजेस बनाने के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग स्पीड की। राइटिंग स्पीड तब बढ़ेगी जब मेरे ज़माने के अंदर तो मैं ऐसे करता था, मेरी क्योंकि मैं MBA फाइनेंस था, मेरी भी राइटिंग स्पीड बड़ी स्लो थी, तो मैं रोज़ाना कम से कम 20 से 25 पेजेस बकायदा क्लॉक रख के उसको लिखा करता था कि ताकि ये मेरा हाथ है ना जो ये चल पड़े और इसकी ये रवा हो जाए और मुझे ज़्यादा लिखना आ जाए। और ये 2 से 3 महीने लगते हैं, इसके अंदर आप अपना आसानी के साथ लिखना शुरू कर देते हो।
आपने इन एक तो राइटिंग स्पीड पर तवज्जा देनी है और आपने नॉन इश्यूज की तरफ नहीं जाना। ये एक बड़ा एवरेज सा एग्जाम है, ये बिल्कुल इसको सरफेस वार नहीं करना, लेकिन इस एवरेज एग्जाम को पास करने के लिए आपको फोकस और पेशेंस चाहिए और एक राइट डायरेक्शन पे आप कंसिस्टेंटली चलते रहें तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और क्यूरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।